हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनु। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनुज पैशन में। आज के इस दूसरे भाग में मैं आपको अपने दूसरे जो प्लांट्स बाकी रह गए थे वो शेयर करने वाली हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फटाफट से। ये एक मेरा है देसी रोज का प्लांट है। इसमें बहुत ही खूबसूरत से पिंक कलर के बड़े बड़े फ्लावर आते हैं। ये मेरा अपराजिता का प्लांट है। इसमें एक पॉट में ही मैंने दो प्लांट लगाए हुए हैं साथ में और अच्छी तरह से ग्रोथ हो रही है इनकी। ये देखिए न्यू शूट निकल रही है इसकी। और ये मेरा रेन लिली का प्लांट है और साथ में ही इसमें मैंने ये बॉटल्स लगाई हुई हैं। ये है पर्सलेन और ये कोचिया प्लांट है जो काफी सूख गया था और नीचे से ऊपर से देखिए इसके फिर से ग्रोथ है और नीचे से काफी सूखा हुआ है। और साथ में ये देखिए बिच्छू बूटी, इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ है। जब ये पहले अच्छा था तो बहुत भरा भरा सा, बहुत खूबसूरत लगता था। और ये देखिए इसमें एक बड भी आई हुई है, बहुत सुंदर है। ये पिंक कलर की है। ये मैंने छोटे से पॉट में लगाया हुआ है इसे। इस एक पॉट में तीन प्लांट है मेरे। ये तो एक है ग्लो का प्लांट, ये मेरी ग्लो चल रही है ऊपर से। और साथ में ये लगा रखा है मैंने, एक्चुअली लगाया नहीं है, खुद ही ग्रो हो गया, आग का प्लांट है। और तीन नहीं चार प्लांट है इसमें। ये देखिए ये गुलदाउदी का है, देखिए इसमें तुलसी भी ग्रो हो रही है। ये दो प्लांट तो अपने आप ही ग्रो गए हैं और मैंने इनको हटाया नहीं है, क्योंकि जब मैं स्प्रे बनाती हूँ तो मुझे आग और तुलसी की ज़रूरत ज़्यादा रहती है, तो इसी पॉट में ये चल रहे हैं। और साथ में ये छोटा सा पॉट है, इसमें भी मैंने ग्लो को ग्रो किया हुआ है। और ये है जिंजर अदरक, ये ग्रो बैग में है। और साथ में ये मेरा सदाबहार का वाइट कलर में है। और ये गुलदाउदी का प्लांट है। और ये कौन सी बेल है मुझे पता नहीं है, ये अपने आप ग्रो गई है पर ये बहुत खूबसूरत लगती है। और ये जो अपने आप ग्रो हुआ है मेरे यहाँ, ये नीम की फैमिली का है बकैन, जिसकी छाया काफ़ी अच्छी बनती है। नीम की तो छाया नहीं बनती है पर इसकी छाया बनती है। और ये ऊपर से छतरी के जैसे शेप ले लेता है। इसको मैं पार्क में लगाने वाली हूँ ताकि मेरा ये पॉट फ्री हो जाए। और साथ में ये चल रहा है मेरा चमेली की बेल, जो नीचे से बिल्कुल ही खाली हो गई है, सूख गई थी, ऊपर तक जा रही है ये बेल। और ये ग्रो किया हुआ है, इसमें बिच्छू बूटी है बॉटल में। और इसके बाद ये एक और प्लांट है मेरा बैंगन का, धूप की वजह से इसके पत्ते नीचे गिर रहे हैं। इसकी भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है और फ्रूटिंग भी हो रही है। और ये एक और प्लांट है जो हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं मेरे ख्याल से, पर ये कौन सा प्लांट है मुझे नहीं पता, क्योंकि जब हम नर्सरी में जाते हैं तो साथ में कुछ प्लांट आ जाते हैं, तो शायद ये तभी साथ में आया है। और ये देखिए इसकी रूट भी निकल रही है साथ साथ में। और इसी में देखिए एक और तुलसी ग्रो हो रही है। और ये देखिए ये मेरे मैक्सिकन पिटूनिया की हाला, बिल्कुल सूख चुका है ये वाला, तो कोई चांस नहीं है इसका दोबारा से ग्रो होने का। ऐसे मेरे कम से कम 5 से 6 प्लांट खराब हो गए हैं। ये देखिए ये मेरा कोलेंचो है, जैसे ही मेरे पास पॉट अवेलेबल होगा मैं इसको रिपोर्ट कर दूंगी। इससे बहुत सारी कटिंग लेके भी मैंने कितने सारे नए प्लांट बना दिए हैं। ये मदर प्लांट है। और इसके साथ ही ये है मेरा क्रिसमस ट्री, देखिए नीचे से तो ये खाली हो चुका है पर ऊपर से इसकी ग्रोथ अभी अच्छी चल रही है। और ये मेरा प्लांट है मनी प्लांट है, इसके काफ़ी ये मैंने जो कटिंग की थी उसकी वजह से ये सारा नीचे गिर गया है। अभी इसको फिर से मॉस्टिक के साथ मैं बांध दूंगी तो ये धीरे धीरे अपनी अच्छी ग्रोथ पकड़ लेगा। इसके लीफ भी काफ़ी बड़े थे पहले, ये देखिए भी काफ़ी सूख चुके हैं और अच्छी तेज़ी से, अच्छी तरह से तेज़ी से ये बढ़ेगा फिर।
और ये है मेरा जेड प्लांट। इसकी ग्रोथ भी काफी अच्छी चल रही है। इसको मैंने स्माइली के ऊपर ही रख दिया है, ऐसे लगा ये छोटे से पॉट में ही है मिट्टी के, और काफी अच्छी ग्रोथ है इसकी। और ये है कोलेंचो, ये देसी कोलेंचो है। इसकी कटिंग मैंने बहुत सारी ग्रो कर ली है। अब जैसे जैसे मेरे पास पॉट अवेलेबल होते जाएंगे इनको मैं ग्रो अलग से करती जाऊंगी, और ये भी छोटे से पॉट में ही चल रहे हैं। और ये देखिए, इसमें लगाया तो मैंने पुदीना हुआ था पर पानी नहीं दिया, पुदीना तो खत्म हो गया। और साथ में ये देखिए टर्टल वाइन ग्रो हो गई है। अभी ये बचा है साफ करने वाला। और ये देखिए मेरा कोचिया बॉटल्स में, ये देखिए अभी भी ये लीव्स, बीच में नई ग्रोथ स्टार्ट होगी तो मैंने इनको ऐसे ही रहने दिया है। और एक इधर है, ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट थे, धीरे धीरे आई थिंक फिर से बढ़िया हो जाएंगे। ये है मेरा शहतूत का प्लांट। ये एक्चुअली बच्चे शहतूत खाने के लिए लेके आए, उन्होंने धोए उनको और उनके बीज डाल दिए, तो ये प्लांट अपने आप ही ग्रो हो गया था। मेरे पास 5 से 6 प्लांट थे पर मैंने एक ही रखा है। और ये देखिए अभी ये काफ़ी बड़ा हो चुका है और बढ़िया इसकी ग्रोथ चल रही है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इसके साथ। अभी देखिए ये पॉट में कितनी ग्रोथ लेता है। और ये देखिए ये बॉटल में लगी हुई टर्टल वाइन, इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है। अब पानी ना मिलने की वजह से काफ़ी, ये देखिए नीचे अभी भी है, इसके लीव्स सूख गई थी पर अब बढ़िया चल रही है इसकी ग्रोथ। ये देखिए आप मेरा पूरा गार्डन दूर से, ये पानी का भंडार रखा हुआ है, मुझे ऐसे भर के रखना पड़ता है, एक्चुअली अरेंजमेंट नहीं है यहाँ पे पानी का। और ये देखिए सारे मेरे प्लांट्स केयर करने के बाद इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। ये मेरा नीम का प्लांट है, ये देखिए कितना बड़ा हो गया है, आई थिंक 6 फीट के करीब हो गया होगा। और ये दूसरा है, और ये मेरे ग्रो बैग जिनमें मैंने वेजिटेबल ग्रो की थी पर अब सूख चुकी हैं। ये देखिए ये मेरा एक और मैक्सिकन पिटूनिया बिल्कुल ख़राब हो चुका है, और ये कोचिया मेरे ख़त्म हो गए हैं। इसमें मेरा चांदनी का प्लांट था वो भी ख़त्म हो चुका है, सारे ग्रो बैग मेरे खाली हैं। अब इनको मैंने बाहर रख दिया है गार्डन से। एलोवेरा के प्लांट हैं और साथ में ये मेरे पत्थर चट्टा के प्लांट हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और आगे इनके मैंने रख दिया है पर्पल हार्ट। और बाकी ये मेरे जो प्लांट्स हैं सारे पर्सलिन, ये जेड प्लांट एक और है मेरे पास, इसकी ग्रोथ उससे ज़्यादा है, काफ़ी नीचे तक आ रहा है। और ये जितने भी प्लांट्स हैं ये सारे हैं बिच्छू बूटी है, और ये पर्सलिन की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, ये देखिए। और ये देखिए एक मेरे पास 2 और प्लांट है पर्सलिन के, इनकी देखिए ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। और बाकी ये जितने भी छोटे छोटे पॉट्स में मेरे पास लगे हुए हैं सब में बिच्छू बूटी है, जब इनमें भर भर के फ्लावर आते हैं ना तो देख के बहुत अच्छा लगता है। अभी तो इनमें से थोड़ी सी कटिंग रह गई है करने वाली, बीच में घास उगी पड़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ थम्स अप जरूर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए ऐसी ही नई नई वीडियोस मैं लाती रहूं। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।